अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुंडाट एट द पेमेंट मेथड का। अगर आप लोगों को इशू आ रहा है तो इसको आप लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा आप लोगों ने क्या करना है, टिकटॉक अकाउंट को ओपन करते हैं और स्टार्ट से आप लोगों को समझाते हैं। मैंने टिकटॉक अकाउंट को ओपन कर लिया। फाइनली यहाँ पर थ्री लाइन्स पर क्लिक करूँगा, मेरे ये कस्टमर का अकाउंट है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करके यहाँ पर अगर आप लोगों को बैलेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाए तो ठीक है, वरना बैक पे आएँ, दोबारा यहाँ पर बैलेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है व्यू वाले ऑप्शन पर। जैसे व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस शो होगा, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर सिंपल से नीचे की तरफ आप लोगों को एक विड्रावल ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर नया इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा और फिर आप लोगों ने अपना नंबर वगैरह जो है वो ऐड करना है। फिर हमारे नंबर पे ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी भेजने के बाद जैसे ही हम जहाँ पर शो होता है जहाँ पर ईमेल डालते हैं, ईमेल डालने के बाद ज्वाइनर ऐड करने की कोशिश करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कुंडाट ऐड द पेमेंट मेथड दिखाता है। तो इसको हल करने के लिए सिंपल से आप लोगों ने बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोगों ने थ्री लाइन्स पे दोबारा क्लिक करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे की तरफ आप लोगों ने स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का, और जो आप लोगों को इशू आ रहा था उसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना है। यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस होगा अकाउंट रिकवरी का, सिक्योरिटी अलर्ट्स वगैरह का। लेकिन हम थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है टिकटॉक बैलेंस का, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। सिंपल से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने एक नया इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को रिवार्ड विड्रा इशू के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या पेमेंट मेथड आप लोगों का जो है वो ऐड नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप लोगों ने रिवार्ड विड्रा इशू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर आप लोगों के सामने जो है वो नया इंटरफेस शो होगा। थोड़ी देर लोडिंग के बाद यहाँ पर हाउ टू अपडेट माई विड्रा मैथड, तो यहाँ पर आप लोगों को जो इशू आ रहा है वो विड्रा अपडेट मैथड के अंदर आ रहा है, ना कि विड्रा पेंडिंग या विड्रा अनेबल टू विड्रा माई अर्निंग वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है, बल्कि आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है हाउ टू अपडेट माई विड्रा मेथड। सिंपल से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर लोडिंग के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने इंटरफेस होगा। लाइव विड्रा यहाँ पर दिखा रहा है कि तीन मेथड्स अवेलेबल हैं, पेपाल है, बैंक अकाउंट है। तो हम सिंपल से यहाँ पर हम नो पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा जो मसला है वो हल नहीं हुआ है। जैसे नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थैंक्स फॉर फीडबैक का ऑप्शन शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ड्रॉप डाउन एरो देखने को मिलेगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर आप लोगों के सामने टेल्स अस अबाउट योर फीडबैक का ऑप्शन शो होगा। पहले तो यहाँ पर क्लिक करें और जो स्क्रीन शॉट्स हैं जो आप लोगों को इशू आ रहा है वो स्क्रीन शॉट्स यहाँ पर जमा करवाएं। अगर कोई वीडियो बना लिया आप लोगों ने, आप लोगों को जो इशू आ रहा है तो वो वीडियो भी यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। सिंपल से स्क्रीन शॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है स्क्रीन शॉट जो है वो ऐड कर लेंगे। दो स्क्रीन शॉट मैंने लिए हैं, दो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या टाइप करना है वो मैं यहाँ पर पैराग्राफ टाइप कर देता हूँ और वही आप लोग भी पुट कीजिएगा, फिर आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा। आप लोगों ने ये वाला पैराग्राफ जो है वो टाइप करना है, वाई माई विड्रा मेथड पियोनियर नॉट एडेड विद माई टिकटॉक अकाउंट एंड एनी ट्राई दिस शो कुड नॉट एड द पेमेंट मेथड यू रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ विड्रा मेथड सेलेक्ट वन ऑफ योर सेव्ड मेथड। तो यहाँ पर जो है ये इशू हमें आ रहा है। सिंपल से हम आप क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने जो है नया इंटरफेस होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें एक रिप्लाई मिल जाएगा और योर मैसेज का, और रिप्लाई पे आप क्लिक करके दोबारा जो है वो अपना जो फीडबैक है वो दोबारा भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह, क्योंकि एक बार ऑटो रिप्लाई मिलेगा। अगर दोबारा आप अपील करते हैं तो वो एक ऑफिशियल बंदे का रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा टिकटॉक टीम का। तो बिल्कुल आसानी के साथ इस तरह से आप ये अपना मसला हल कर सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।